अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर है नई वीडियो के साथ। और आज हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जो आज हम पढ़ेंगे वो है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ आपको टाइप करके दिखाता हूँ। तो देखें, इसने तकरीबन तीन पेज तक, चार पेज तक मेरा टेक्स्ट ऐड कर दिया। इसने चार पेज तक टेक्स्ट ऐड कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका, रेडी हो चुका है, तो इसका एक टाइटल पेज होना चाहिए। तो टाइटल पेज हम खुद भी बना सकते हैं, हमारे पास टाइम कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर है कवर पेज, इस पर मैंने क्लिक किया। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, आपने सब्र करना है। तो जब आपके पास ये लोड हो जाए तो आपको जो स्टाइल पसंद आ रहा हो जस्ट आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं लेता हूँ ये वाला डिज़ाइन। तो देखें इसने क्या किया, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इसने एक स्टाइल अप्लाई किया है जिसमें एक पिक्चर है, वो पिक्चर आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम पिक्चर नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे, आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। और इसमें कुछ टाइटल आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, जैसे कि टैग वर कराची, ठीक है। मैंने हेडिंग लगा दिया, सब टाइटल लगाना हो MS वर्ड इंसर्ट टैब, ठीक है। मेरे पास ये भी मैटर कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कुछ मज़ीद डिटेल इसमें शॉर्ट में लिखना तो आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो तो जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, ऊपर इसके हेडिंग आ गया, इस पर आपने क्लिक किया अगेन। तो देखें ये ओवरऑल सेलेक्ट हो गया, गलत हो गया थोड़ा, कंट्रोल जेड। मैंने इसके हेडिंग पे क्लिक किया, ये ओवरऑल सेलेक्ट है। और आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है डिलीट। तो देख सकते हैं कि आपका जो है ये डिलीट हो चुका है, ठीक है डियर। तो हमारा एक टाइटल पेज रेडी है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टाइल नहीं दूसरा हो जाए तो हम दोबारा जाएंगे कवर पेज पे। आपको ये स्टाइल पसंद आ रहा है, क्लिक कर दिया, देखें ये स्टाइल आ चुका है। आपको दूसरा स्टाइल लगाना है या स्टाइल ख़त्म करना हो तो आप कहाँ जाएंगे, रिमूव करंट कवर पेज। तो जब आपने इंसर्ट कर दिया तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली सारे पेज के फर्स्ट में खुद ही ऐड हो चुका है। ख़त्म करना हो कवर पेज पे गए एंड देन रिमूव करंट कवर पेज, तो उसने उसको इजाफी पेज को ख़त्म कर दिया। उसके बाद है हमारे पास ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में क्या काम है, जैसे कि मैं थोड़ा सा ऐसे जूम कर लूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टली, बल्कि यहाँ पर बुक, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके आगे यहाँ पर एक पेज हो और जो इसके बाद जो भी लिखा हो वो उस पेज के आगे हो, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ तक ये यहीं रहे, मतलब जो मैटर है मेरा यहाँ तक रहे, उसके बाद आगे पेज ये खाली ऐड हो जाए और ये जो लिखा हुआ है इसके आगे वो अगले पेज पे मूव हो जाए। तो मैंने क्या किया, ऐसे ब्लैंक पेज पे क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने लिखा हुआ था ऊपर ही है, उसके बाद एक ब्लैंक पेज ऐड हुआ और नीचे वो आगे मूव हो चुका है। तो अब टोटल कितने पेजेज हो गए, पाँच। यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज आ जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस होंगे, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो मैंने डिलीट कर दिया, मिटा दिया। तो आप देख सकते हैं इसने इन दोनों के दरमियान एक एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज ऐड कर दिया है, ओके डियर। तो ये तो हमारे पास ब्लैंक पेज हो गया। उसके बराबर में हमारे पास, अच्छा ब्लैंक पेज में एक और चीज़ होता है, अगर आपने कर्सर बिल्कुल टेक्स्ट के शुरू में रखा हो, यानी कि एंड और फर्स्ट में, जैसे यहाँ पर एंड हो रहा है आपका पूरा डॉक्यूमेंट और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने स्टार्ट पर रखा तो वो एक पीछे ब्लैंक पेज ऐड करेगा। इससे क्या फ़ायदा है कि आप अपने मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं कवर पेज को। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल लास्ट में एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाए तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज करेंगे तो वो उसके बाद एक पेज को ऐड कर देगा। ब्लैंक पेज का मकसद सिंपल क्या है, आपका कर्सर जहाँ पर भी मौजूद होगा वहाँ पर वो एक खाली पेज को ऐड कर देगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास है पेज ब्रेक, यानी कि आपके पेज को हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, काफ़ी बड़ा हो गया, कि जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, ठीक है, मैं और छोटा कर लूँ। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे लुक पर है, मैं चाहता हूँ मेरा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे का जो मैटर है वो डायरेक्टली अगले पेज पे शिफ्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पेज ब्रेक पे क्लिक। तो जैसे मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया, ये चीज़ यहीं रह गया और आगे के तमाम चीज़ें उठ के कहाँ चले गए, अगले पेज पे। तो ये था हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन। अगर आप यही काम शुरू में करें तो जैसे आपने ब्लैंक पेज में देखा था सेम वही काम होगा, वो क्या करेगा, एक पेज एक्स्ट्रा ऊपर दे देगा,
इसी तरीके से अगर आप लास्ट में करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और पेज ब्रेक, तो इसने यहाँ पे दे दिया गलत हो गया, वापस लाने के लिए अंडू। ठीक है डियर, तो ये था हमारे पास पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और कवर पेज। तो आज की क्लास कैसे लगी है अपने कमेंट्स हमें आगाह करिएगा। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।